SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने वेबसाइट तो बना ली अपने बिजनेस के लिए, बट अगर आप SEO नहीं कराएंगे तो आप गूगल पे रैंक नहीं कर पाएंगे, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ पाएगा और फाइनली आपकी वेबसाइट बनाने का उद्देश्य बेकार हो जाएगा। आपने जो भी खर्चा किया है वो किसी काम का नहीं रहेगा। जी हाँ गाइस, वेबसाइट आपका एक मार्केटिंग इंजन है और अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करें तो वो आपकी जो मार्केटिंग के जो लोग हैं उनको रिप्लेस कर सकता है, पूरी तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक रिप्लेस कर सकता है और किन्हीं केसेस में तो पूरी तरह से ये मार्केटिंग को रिप्लेस कर सकता है, जिसको हमने ट्राई एंड टेस्ट किया है अपने अदर सॉल्यूशंस एंड प्रोडक्ट्स के साथ। तो गाइज, SEO में अक्सर ये देखा गया है कि लोग पूरी तरीके से SEO नहीं करते हैं, या जिससे भी आप करा रहे हैं, कोई एजेंसी है, कोई फ्रीलैंसर है, उसके अंदर वो कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं और इसकी वजह से SEO की जो इफेक्टिवनेस है वो नहीं आ पाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा SEO के जो भी टिप्स हैं, SEO के बारे में क्या क्या SEO कैसे कैसे करना चाहिए, और एक सिंपल एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको कंपेयर करके SEO को मार्केटिंग, जो कि हमारी ट्रेडिशनल नॉर्मल मार्केटिंग है, जो कि हर कोई करता है जो डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहा है, उससे कंपेयर करते हुए बताऊंगा। आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, इजीली समझ पाएंगे कि जो चीज़ें एक्चुअली आप डिजिटल मार्केटिंग में SEO के केस में करवा रहे हैं वो चीज़ एक्चुअली में सही हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अगर वो चीज़ें नहीं सही हो रही हैं तो आपका रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा, और ये चीज़ें अगर सही से होने लगेंगी तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। गाइज, SEO कराने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती अगर आपकी वेबसाइट वेब पे अकेली वेबसाइट होती, बट ऐसा तो नहीं है। वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत स्पीड से बढ़ती चली जा रही हैं, तो जब वेबसाइट्स कम होती थी उस समय पर SEO की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वेबसाइट्स ऑटोमेटिकली रैंक करने लगती थी। बट गाइज, अब इतना ज़्यादा कंपटीशन है, कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको SEO कराने की ज़रूरत रहती है, और सही तरीके से SEO क्या होता है वो पूरी तरह से आप इस वीडियो में जान जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरव अग्रवाल, और जैसा आप जानते ही हैं कि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं SEO के बारे में। गाइस, अगर आप SEO के बारे में नहीं जानते हैं तब भी आप सब कुछ जान जाएंगे जब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। अगर आप SEO करते हैं, SEO जानते हैं, तो हो सकता है आपको कुछ इसके अंदर टिप्स डेफिनेटली मिल जाए, क्योंकि गाइस हमारे पास 10 में से 9 ऐसे कस्टमर्स आते हैं जिनके जो SEO कराया गया है, जो उन्होंने SEO 2 साल 3 साल से पीछे वो करा रहे थे, उसके अंदर इसमें मेजर चीज़ें मिसिंग होती हैं, और वो मिसिंग होने की वजह से क्या होता है कि उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता। बहुत से लोग इसके अंदर ये सोच करके छोड़ देते हैं कि एक्चुअली इससे रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो एक्चुअली इसको ड्रॉप कर देते हैं, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत हो जाती है, क्योंकि उनको एक्चुअली जो डिजिटल मार्केटिंग और SEO से रिजल्ट मिल पाता वो उससे एक्चुअली वंचित रह जाते हैं, उनको वो उसका लाभ नहीं, उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। बट कुछ लोग एक्चुअली हैं जो एक्चुअली जानते हैं, वो एक्चुअली ये चीज़ मानते भी हैं कि SEO से रिजल्ट मिलेगा, बट जो SEO वो करा रहे हैं उससे वो रिजल्ट नहीं मिलता है, और वो बार बार जो अपना फ्रीलांसर है या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चेंज करते रहते हैं। अगर आप खुद से SEO करते हैं तब भी आपको आज इससे काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। अगर आप SEO नहीं करते हैं, आप एक बिजनेस ओनर हैं, तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा काम के लिए होगा ये वीडियो, क्योंकि आप एटलीस्ट ये तो जान जाएंगे कि जो जो स्टेप्स SEO में करने चाहिए थे वो आपका जो SEO करने वाला पर्सन है, चाहे वो आपका एम्प्लॉई हो, चाहे आप किसी फ्रीलांसर से करा रहे हो, चाहे आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से करा रहे हो, वो सारी चीज़ें वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। गाइज, इसके अलावा अगर आपको कोई डिटेल्ड कंसल्टेशन चाहिए हम लोगों से, तो आप बेझिझक हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नीचे दिख रहा होगा, आप हमें व्हाट्सएप करें, आप अपनी क्वेरी सबमिट करें, क्या आप जानना चाहते हैं, क्या आपकी क्वेरी है, चाहे आप SEO कराना चाह रहे हों, चाहे आप करा चुके हों, या फिर आप करा रहे हों, हर किसी केस में आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली हम आपकी इसके अंदर मदद करेंगे। बट आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंपैरिजन की SEO क्या होता है, उसको कंपेयर करते हुए मार्केटिंग से किस तरीके से क्या स्टेप्स हम मार्केटिंग में फॉलो करते हैं, और क्या हम SEO में फॉलो करते हैं, और उनका क्या इंटर रिलेशन है, और क्या चीज़ें SEO के अंदर एक्चुअली मिस की जाती हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। बट अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है
मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इनफैक्ट इसके अंदर आप और डिटेल में जाना चाहेंगे, और डिटेल में जानना चाहेंगे आप इसको खुद से लर्न करके करना चाहते हैं, या फिर आप इसको एज अ करियर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, आप SEO या फिर डिजिटल मार्केटिंग से अपना करियर बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सभी तरह के वीडियोस डिटेल में आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे। उससे रिलेटेड कंप्लीट सीरीज़ हमने बनाई हुई है, जो कि हर चीज़ के लिए एक अलग सीरीज़ बनी हुई है। तो आइए देखते हैं, जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअली होती हैं, किस तरीके से हम SEO को समझते हैं। जो लोग SEO जानते हैं वो लोग एक्चुअली इस चीज़ को और बेहतर समझ पाएंगे, और जो लोग नहीं भी जानते हैं उनके लिए बहुत आसान होगा आज जिस एग्जांपल से मैं इसको समझाने जा रहा हूँ। तो गाइज, हम SEO को कंपेयर करने जा रहे हैं मार्केटिंग से। मार्केटिंग हर कोई करता है, चाहे कोई प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो। तो मार्केटिंग के अंदर गाइस तीन स्टेप्स होते हैं, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है कि आप ट्रेनिंग देंगे किसी को, मतलब आप जो मार्केटिंग का आपका स्टाफ है, आपने मान लीजिए मार्केटिंग स्टार्ट की है, तो जो आप मार्केटिंग का पर्सन रख रहे हैं या टीम रख रहे हैं उनको आप ट्रेनिंग देंगे। जब तक आप उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक एक्चुअली में वो उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, राइट गाइज। इसके बाद जब मार्केटिंग की हम बात करें तो सेकंड चीज़ आएगी प्रमोशनल मटेरियल। तो गाइज, आपने ट्रेनिंग तो दे दी अपने स्टाफ को और आपने उनको प्रमोशनल मटेरियल नहीं दिया, तो वो किस तरीके से अब आके जाके कस्टमर्स तक अप्रोच करेंगे, किस तरह से उनको वो प्रमोशनल मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जब तक उनके पास प्रमोशनल मटेरियल नहीं होगा उनकी मार्केटिंग कभी भी इफेक्टिव नहीं होगी। ये कुछ भी हो सकता है, लीफलेट्स हो सकते हैं, बुकलेट्स हो सकती हैं, ब्रोशर्स हो सकते हैं, कुछ ई शेयरिंग मटेरियल हो सकता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट हम सिंपल सी बात करेंगे कि प्रमोशनल मटेरियल। तीसरी चीज होगी गाइस रीच टारगेट कस्टमर्स। तो इसके बाद जो मार्केटिंग का पर्सन है उसका काम है टारगेट कस्टमर तक पहुंचना, चाहे वो फिजिकल विजिट से करे, चाहे वो कॉल करके करे, जैसे भी मर्जी करे। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है उसमें वो अप्रोच नहीं करेगा तो एक्चुअली उसको हायर करने का आपका ऑब्जेक्टिव, मटेरियल बनाने का सारा ऑब्जेक्टिव बेकार हो जाएगा। तो ये गाइस ये तीन मेजर स्टेप्स होते हैं और आप एक्चुअली इससे ज़रूर सहमत होंगे। अब हम बात करते हैं गाइस SEO की इन कंपैरिजन। SEO की अगर हम बात करें तो पहला जो स्टेप था हमारा ट्रेनिंग, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं टेक्निकल SEO से, क्योंकि SEO गाइस तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसका सबसे पहला सबसे बेसिक इनिशियल स्टेप है टेक्निकल SEO। टेक्निकल SEO में क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए ये अभी और आगे वीडियो में मैं आप लोगों को पूरे 10 स्टेप्स बताऊँगा। तो गाइस टेक्निकल SEO बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है उसको प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन करना है, जिससे कि वो SEO के लिए पूरी तरह से कैपेबल हो जाए SEO करने के लिए, यानी गूगल में रैंक करने के लिए, सर्च इंजन पर लिस्ट करने के लिए टेक्निकली साउंड हो जाए। तो ये चीज़ बिल्कुल एक तरह से ट्रेनिंग की तरह से है, क्योंकि ट्रेनिंग में आप अपने मार्केटिंग पर्सन को साउंड कर रहे थे, जिससे कि वो एक्चुअली में ढंग से आपकी बात बताने लायक बन जाए कस्टमर तक। दूसरी चीज गाइज है ऑन पेज SEO। जी हाँ, ऑन पेज SEO मतलब जो कंटेंट आप क्रिएट करेंगे और उस कंटेंट को किस तरीके प्रॉपर तरीके से आप यूजर तक पहुंचा पाएंगे, उसके अलावा उस कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उस कंटेंट को अच्छे से आपको UI UX करना चाहिए, वो कंटेंट आपके लिए, बॉट के लिए, अलग अलग डिवाइसेस के लिए बेस्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ है ऑन पेज SEO, और जिसको हम रिलेट कर सकते हैं हमारा पिछले चीज़ से जो हमने मार्केटिंग में देखी थी, जो कि प्रमोशनल मटेरियल, मतलब कि यहाँ पे भी हम प्रमोशनल मटेरियल तैयार कर रहे हैं, एक क्वालिटी प्रमोशनल मटेरियल ऑनलाइन तैयार कर रहे हैं जो कि है आपकी वेबसाइट पे। तीसरी चीज़ है गाइज ऑफ पेज SEO, जो कि फाइनल स्टेप है SEO का, और इसका बेसिक रिलेशन अगर हम मार्केटिंग से करेंगे तो वो होगा रीच टारगेट कस्टमर्स। तो अगेन ऑफ पेज SEO बिल्कुल पूरी तरीके से इससे रिलेट होता है, क्योंकि रीच टारगेट कस्टमर्स मतलब जो आपका मार्केटिंग का पर्सन है कहीं से डेटाबेस एक्वायर करेगा या मार्केट में जाएगा और लोगों तक रीच करने की कोशिश करेगा, सेम चीज़ हम ऑफ पेज SEO में करते हैं। हम अलग अलग डायरेक्टरीज, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग जगहों पे हम अपने वेबसाइट, अपने आर्टिकल्स, अपने ब्लॉग्स को प्रमोट करते हैं, और उसके तहत हम डिजिटली लोगों तक पहुँच पाते हैं। तो यहाँ भी डिजिटली पहुँचने की चीज़ थी जब हम रीच आउट टारगेट कस्टमर्स की बात करते हैं मार्केटिंग में, और SEO के केस में भी ये कस्टमर्स तक रीच आउट करने की बात थी। तो गाइज ये तो हो गया डिफरेंशिएशन मार्केटिंग और SEO को। आई बिलीव जो लोग एक्चुअली में SEO को नहीं समझ पा रहे थे वो अब इसको इजीली समझ पाएंगे।
अब मुद्दे की बात आती है गाइस कि इसके अंदर एसईओ में जो तीन स्टेप्स मैंने आपको बताए, उन तीन स्टेप्स में से ज्यादातर लोग सिर्फ एक स्टेप फॉलो करते हैं जो कि है ऑफ पेज एसईओ। जी हाँ, लोग सिर्फ लिंक बिल्डिंग करना चाहते हैं और सोचते हैं सिर्फ लिंक बिल्डिंग करने से उनका एसईओ हो जाएगा और उनको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। गाइस, इससे रिजल्ट नहीं मिलेगा, इंस्टेड आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर हाई हो जाएगा, आपकी वेबसाइट को गूगल हो सकता है डी इंडेक्स भी कर दे और रैंक तो गाइस कभी भी नहीं होगी, ये आप मान लीजिए। अगर आपने टेक्निकल एसईओ नहीं किया, अगर आपने ऑन पेज एसईओ नहीं किया है, तो ऑफ पेज एसईओ वर्क नहीं करेगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आपको मार्केटिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की और आपने एक बंदे को हायर करा, ना आपने उसको ट्रेनिंग दी, ना आपने उसको प्रमोशनल मटेरियल दिया, आपने सीधा कहा कि भाई ऐसा है आप जाओ मार्केट करो हमारे इस प्रोडक्ट को। अब उसको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, उसको एक्चुअली में ना उसके रिलेटेड कोई उसके पास इंफॉर्मेशन है, ना ब्रोशर्स हैं जो वो कस्टमर से शेयर कर पाएगा, तो क्या वो मार्केटिंग कर पाएगा? ये आपके लिए क्वेश्चन है, सोचिएगा जरूर इस चीज को। तो अगर वो मार्केटिंग नहीं कर पाएगा, जो कि डेफिनेटली नहीं कर पाएगा, तो एसईओ कैसे वर्क करेगा खाली ऑफ पेज एसईओ से, जिसके अंदर हम सिर्फ प्रमोशन, लिंक बिल्डिंग और शेयरिंग करते हैं, ना तो हमारे पास प्रॉपर कंटेंट है, ना वो कंटेंट एक्चुअली एक प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्टेड है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेक्निकली हमारी वेबसाइट साउंड नहीं है। और जब हमारी वेबसाइट टेक्निकली साउंड नहीं है, तो गूगल, उसके बॉट्स, उसके सर्च इंजन और भी दूसरे सर्च इंजन कभी भी उसको रैंक नहीं करेंगे, लिस्ट नहीं करेंगे। तो गाइज, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एसईओ के अंदर ये तीनों स्टेप्स फॉलो होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप है टेक्निकल एसईओ, वन टाइम किया जाता है। बेसिकली जब आपकी वेबसाइट बनती है, कायदे से उसी समय पे टेक्निकल एसईओ जो वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी है उसको करना चाहिए, और मेन वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ भी करना चाहिए। और जब आप एसईओ का प्रोसेस शुरू कराते हैं, तो उस केस में गाइस ये तीनों चीज़ें की जाती हैं एज रिक्वायर्ड। मोस्टली उसके अंदर ऑन पेज एसईओ किया जाता है, क्योंकि कंटेंट ऐड किया जाता है, ब्लॉग के थ्रू ही आपकी वेबसाइट का प्रमोशन हो सकता है, तो उनको उस कंटेंट का ऑन पेज एसईओ करते रहना पड़ेगा रेगुलरली, फिर उसका वो ऑफ पेज एसईओ करेंगे। अगर कहीं ऐसी टेक्निकल रिक्वायरमेंट आएगी, कोई नए चेंजेस गूगल के आ रहे हैं, तब टेक्निकल एसईओ के फ्रंट पे भी हो सकता है उनको थोड़ा बहुत कुछ करना पड़े, बट मेजरली जो चीजें हैं टेक्निकल एसईओ की और आपके वेबसाइट के, मेन वेबसाइट के ऑन पेज एसईओ की, वो आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट के साथ ही पूरी हो जानी चाहिए। उससे रिलेटेड भी गाइस मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपने अगर अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने बताया है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो कि किसी भी वेबसाइट ओनर के लिए जरूरी हैं। तो गाइस हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं अपना एसईओ, तो अपने मुद्दे पे ही रहते हैं। तो यहां बात हमने करी थी कि एसईओ की, कि टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ और गाइस ऑफ पेज एसईओ। अब मैं आप लोगों से फाइनली वो स्टेप्स शेयर करने जा रहा हूँ, वो पॉइंट शेयर करने जा रहा हूँ, 10 पॉइंट्स मैं शेयर करूंगा। ऑल दो कुछ और भी ज्यादा हो सकते हैं, बट ये मेजर 10 पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले हम शेयर करेंगे टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड 10 पॉइंट्स आप लोगों से, और गाइज उसके बाद हम शेयर करेंगे ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड 10 पॉइंट्स जो आपके काम के हैं। ऑफ पेज एसईओ ज्यादातर लोग जानते हैं गाइज करना, उससे रिलेटेड नहीं तो एक मैंने कंप्लीट वीडियो पहले से बना रखा है, है तो ऑन पेज एसईओ के ऊपर भी मेरा एक कंप्लीट वीडियो। अगर आप इन स्टेप्स के अलावा टेक्निकली उसको जानना चाहते हैं, तो ये ऑन पेज के ऊपर कंप्लीट वीडियो है, कैसे ऑन पेज करना है अगर आप उसको सीखने में इंटरेस्टेड हैं। बट अगर आप बिजनेस ओनर हैं, तो ये पॉइंट्स आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। सिमिलरली गाइज ऑफ पेज एसईओ पे भी मैंने ये वीडियो बना रखा है, जो लोग एक्चुअली खुद से करना चाह रहे हैं या सीखने में इंटरेस्टेड हैं, ये भी उनके लिए काम का होगा। तो आज हम मेन दो चीज के 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि लोग मिस करते हैं, वो है टेक्निकल एसईओ के 10 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ऑन पेज एसईओ के 10 पॉइंट्स। गाइस ये टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है, आप अगर एक वेबसाइट ओनर हैं, आपको खुद से नहीं करना है, आप करा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बहुत काम के हैं, क्योंकि एटलीस्ट आप ये चीज़ अपने डेवलपर से इंक्वायर कर सकते हैं, उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं कि वो ये चीज़ें कर रहा है कि नहीं, उससे आप पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेप्स उसने फॉलो किए और नहीं किए, तो वो करे उसको, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली सारी चीज़ें जानते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं ये मैं नहीं जानता। हो सकता है वो जल्दी जल्दी एक्चुअली सिर्फ लिंक्स बना करके सोचते हों कि वेबसाइट रैंक कर जाएगी, बट ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है, ये बिल्कुल गलत है, इसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो गाइज चलते हैं, देखते हैं हमारे 10 पॉइंट्स
टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड। सबसे पहले तो गाइस सबसे पहला पॉइंट है हमारा SSL। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज है आज की डेट में, और गूगल इसके बिना रैंक भी नहीं करता आपकी वेबसाइट को, वो है SSL। SSL मतलब आप जब होस्टिंग लेते हैं, अगर अच्छी होस्टिंग लेते हैं तो उसके अंदर आपको मिलती है SSL। गाइस SSL ऐसे होती है, जब आप अपने URL को ब्राउजर में देखेंगे तो HTTPS दिखेगा और लॉक का साइन दिखेगा, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। अगर आपके में SSL नहीं है तो सिंपल है, यहाँ लॉक कीजिएगा, आपको दिखेगा नॉट सिक्योर और साथ में होगा HTTP। तो गाइज बहुत से केसेस में जब नॉट सिक्योर आता है तो ऐसा पेज आ जाता है कि वेबसाइट के नॉट बी डिस्प्लेड, प्रोसीड टू अनसेफ। तो मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे ऐसा पेज आ रहा है किसी ब्राउजर में या किसी जगह पे, और वो डेफिनेटली आ रहा होगा SSL अगर नहीं है तो वो कितना गलत हो जाएगा। क्या आप किसी ऐसी वेबसाइट पे ब्राउज करेंगे जिस पे ऐसा आ रहा हो? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं अगर आपने SSL नहीं ले रखा है। और SSL लेने के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ एक अच्छी होस्टिंग लेनी है। अच्छी होस्टिंग्स हमने यहाँ पे दी हुई हैं, ये हमारी एक कंप्लीट लिस्ट है, और ये मैंने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से ट्रायंड टेस्ट करके ये होस्टिंग आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर इसके डिस्काउंट लिंक्स भी होंगे, डेफिनेटली आप लोगों को मिलेंगे, और इससे कुछ थोड़ा बहुत कमीशन भी हम लोगों को मिलता है अगर आप यहाँ से क्लिक करके परचेज करते हैं। और उस सारे पैसे को हम यूज़ करते हैं आप लोगों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में, आपके लिए ये फ्री कंटेंट क्रिएट कराने में, और आप लोगों की हेल्प करने के अंदर। तो गाइज ये था सबसे पहला स्टेप SSL, और सेकेंड स्टेप है गाइज मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोबाइल फ्रेंडली का मतलब ये नहीं है कि मोबाइल पे ओपन हो रही है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पे ओपन हो रही हो बट वो उसका एक छोटा वर्जन दिख रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोबाइल पे जब वेबसाइट ओपन होती है तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, चीज़ें ऊपर नीचे आ जाती हैं, बट जो फॉन्ट आपको वेब पे दिख रहा था सेम आपको यहाँ पे भी दिखना चाहिए। जो साइजेस आपको वेब पे दिख रहे थे यानी आपके लैपटॉप कंप्यूटर पे ब्राउजर पे, वो भी आपको सेम यहाँ दिखने चाहिए। और गाइज उसके अलावा मोबाइल के यूजेबिलिटी इश्यूज होते हैं, मतलब लिंक क्लिक नहीं हो रहा मोबाइल पे जाने के बाद क्योंकि स्क्रीन छोटा होता है, टच स्क्रीन से हम करते हैं, या फिर फॉन्ट साइज छोटा है। ये सारी प्रॉब्लम्स गूगल खुद से डिटेक्ट करके बताता है। अगर आपके डेवलपर ने ये सब चीज़ें की हैं, देखने में ठीक लग रही हैं, उसके बाद भी ये इश्यूज गूगल के द्वारा बताए जा रहे हैं, अगर उसने गूगल सर्च कंसोल में सबमिट किया है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो ये वो रेक्टिफाई कर सकता है। और ये चीज़ आपको ज़रूर इंक्वायर करनी है क्योंकि आपको ये चीज़ कोई बताएगा नहीं बट इसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पर नेगेटिव पड़ेगा। तीसरा है गाइस स्पीड ऑफ वेबसाइट। अगेन ये चीज़ बहुत मेजरली डिपेंडेंट है होस्टिंग पे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अच्छी होस्टिंग आप लेंगे तो SSL आपको मिल जाएगी। उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको एक रेफरेंस पॉइंट बता चुका हूँ, आपको ठीक लगे तो आप वहाँ से होस्टिंग सर्च कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो हमारी टीम आपको उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेगी। अगर आप एक होस्टिंग अच्छी अपनी वेबसाइट के लिए लेना चाह रहे हैं जिसकी स्पीड अच्छी हो और उसके अंदर SSL हो। उसके अलावा गाइज उसके अंदर दिक्कतें होती हैं रिलेटेड टू इमेज। सबसे ज़्यादा जो है इमेज इफेक्ट करती है आपकी वेबसाइट स्पीड को, और हमने देखा है अक्सर वेबसाइट्स पे बड़ी साइज़ की इमेजेस डाल दी जाती हैं। साइज़ मतलब ऐसे साइज़ नहीं गाइज, उस साइज़ उसकी फाइल साइज़ होती है इमेज की, जो कि दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर होता है उसकी डायमेंशंस, जो कि वेब के लिए हमेशा छोटी चाहिए होती है। दूसरा उसका रेजोल्यूशन यानी जो हम मेगापिक्सल कहते हैं, उसकी क्वालिटी, जो कि वेब के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए होती, प्रिंट के लिए अच्छी चाहिए होती है, वेब के लिए नहीं चाहिए होती। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन उसके लिए करना पड़ता है, जिसको हम आगे अपने ऑन पेज में डिस्कस करेंगे। डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज, जी हाँ गाइज डुप्लीकेट कंटेंट इशू हो सकता है। बहुत तरह का कंटेंट आपकी वेबसाइट पे आपके डिजाइनर डेवलपर ने बनाया और कुछ कंटेंट को डुप्लीकेट कर दिया, कई बार कोई हेडिंग हेडलाइन डुप्लीकेट कर दी, तो वो डुप्लीकेट कंटेंट इशू भी टेक्निकल इशू होता है और गूगल को उससे एक्चुअली कन्फ्यूजन हो जाता है, वो मिसलीड हो जाता है। तो डेफिनेटली डुप्लीकेट कंटेंट इशूज नहीं होने चाहिए। अगर आप इसको खुद से चेक करना चाहते हैं तो आप एक टूल का यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है सेमरश, उसके अलावा भी एक टूल है जिसका नाम है वूरैंक। ये सभी आपको हमारी वेबसाइट पे जो ये पेज मैंने आप लोगों को बताया है इस पे मिल जाएंगे, इस पे सब लिस्टेड हैं। इनके ट्रायल वर्जन्स भी होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपको इनिशियली ख़रीदना है, आप यहाँ क्लिक करके ट्रायल वर्जन ले सकते हैं। ट्रायल वर्जन से ही आपको ये चीज़ें डिटेक्ट हो जाएंगी, और अगर आपको एक रेगुलर बेसिस पे चाहिए, आप एजेंसी हैं, आप डेवलपर हैं, तो आप उसको फर्दर आगे उसको पे करके खरीद भी सकते हैं। बट आप सिर्फ उसको चेक करना चाहते हैं तो आप बहुत ईजिली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रायल वर्जन से काम चला सकते हैं। इसके बाद पॉइंट है गाइस टेक्निकल एसईओ में सर्च इंजन सबमिशन।
सर्च इंजन सबमिशन होना चाहिए गाइस। सर्च इंजन जैसे गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट नहीं आई है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको पता चल सकता है, बट अगर आप उसको प्रॉपरली सबमिट कर देते हैं तो वो काम जल्दी हो जाएगा। गूगल के क्रॉलर्स बहुत बिजी होते हैं, लाखों करोड़ों वेबसाइट हैं गाइस, तो आपको सबमिट करना जरूरी है। तो इसी तरह से गूगल पे, बिंग पे और भी कुछ सर्च इंजन है उन पर सबमिट होता है, बट मेजरली मैं रिकमेंड करता हूँ गूगल और बिंग पे सबमिट करना। तो सर्च इंजन पे आपका सबमिशन है कि नहीं ये आपको चेक करना है, आपको पूछना है किस ईमेल आईडी से सबमिशन है, आप लेकर के उनसे रिमोटली अपने डेवलपर से देख सकते हैं। XML साइट मैप, जी हाँ XML साइट मैप अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बन जाता है योस्ट प्लगइन के थ्रू, जेटपैक के थ्रू। तो ये जो साइट मैप आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है वो कुछ ऐसा दिखता है गाइस, उसकी फाइल सीधी होती है sitemap.xml, आपकी जो वेबसाइट का URL है उसके बाद लिखा होता है sitemap.xml, और इसको जाकर के हमको अपने सर्च इंजन में सबमिट करना होता है। वहां एक लिंक होता है कुछ इस तरीके से, जैसे ये दिख रहा है आपको, आपका सर्च इंजन कंसोल दिख रहा है, गूगल का सर्च इंजन सबमिशन कंसोल है, यहाँ पे आपको दिख रहा है साइट मैप वाला लिंक। साइट मैप में जाकर के हम अपना साइट मैप सबमिट कर देते हैं, और साइट मैप सबमिट करने से फायदा क्या होता है, अब इस साइट मैप डॉट एक्सएमएल में जो भी कंटेंट या ब्लॉग आप नया डालेंगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और गूगल के क्रॉलर्स इसको बार बार रिविजिट करते रहते हैं, तो उनको एक ही जगह से जो नया कंटेंट है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो आपका कंटेंट जल्दी इंडेक्स हो जाता है। इंडेक्स मतलब गूगल को पता चल गया कि आपने नया ब्लॉग पब्लिश किया है, और जैसे ही गूगल को पता चल जाएगा वो उसको क्रॉल करेगा तभी रैंकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर ये चीज़ सब ऑर्गेनिकली की जाएगी, कोई इसको इंटेंशनली XML साइट मैप सबमिट नहीं करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, एंड डेफिनेटली आप नहीं चाहते हैं कि टाइम ज़्यादा ले, आप चाहते होंगे जल्दी रैंक करें। गाइज इसके अगला पॉइंट है स्कीमा मार्कअप। गाइज स्कीमा मार्कअप को एक्चुअली यूज़ किया जाता है जिससे कि गूगल के जो बॉट्स हैं, क्रॉलर्स हैं, वो आसानी से आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को पढ़ लें। वो आपने जो एड्रेस दिया है या आपने जो ब्लॉग्स लिखे हैं उनको वो उतनी जल्दी उनका जो कंटेंट है उसको नहीं रीड कर पाएगा। इंस्टेड अगर स्कीमा मार्कअप आपकी वेबसाइट पे सेटअप है तो वो उसको फटाफट पढ़ लेगा। स्कीमा मार्कअप गाइस कुछ इस तरह से दिखता है, कुछ कोडिंग में दिखता है, और स्कीमा मार्कअप आपके डेवलपर को सेटअप करना चाहिए। स्कीमा मार्कअप अगर आप जानना चाहते हो कैसे सेटअप होगा, सीखना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप मेरे चैनल को फॉलो करते रह सकते हैं। जल्दी ही मैं उसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा कि किस तरह से आप स्कीमा मार्कअप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिसमें वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड ट्रस्ट को भी जानता है, उसके अलावा उसके जो भी इंफॉर्मेशन है वो चेक करता है, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें अगर उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली उसके थ्रू रीड कर पाता है तो आपको इंडेक्सिंग में, रैंकिंग में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और ये स्कीमा मार्कअप जो है ये हर पेज पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर आप वर्डप्रेस का यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ही आसान है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना होता। अगर आप नॉर्मल वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो फिर हो सकता है आपको हर पेज पे करना पड़े, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं गूगल टैग मैनेजर का, और गूगल टैग मैनेजर से रिलेटेड भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अगर आप एक डेवलपर या टेक्निकल हैं, आप नहीं हैं डेवलपर टेक्निकल तो आप इसको मत देखिएगा। आगे अगर आप सीखना चाहते हो तो स्कीमा मार्कअप पे जैसे मैंने कहा मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, तब आप उसको ज़रूर देख लेंगे। साइट स्ट्रक्चर एंड नेविगेशन, जी हाँ साइट स्ट्रक्चर एंड नेविगेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि साइट का आपका अगर स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, कोई भी जो विजिटर उस पर आ रहा है उसको प्रॉपरली मेन्यूज़ के अंदर सब मेन्यूज़ नहीं मिलेंगे, सब चीज़ें हैफजर्ड होंगी, और कोई चीज़ कहीं है कोई चीज़ कहीं है, आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो आपने उनको प्रॉपरली ग्रुप नहीं किया होगा, तो जो विजिटर है उसको भी दिक्कत होगी, और सेम दिक्कत होगी क्रॉलर को, क्रॉलर कन्फ्यूज हो जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर है साइट का वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, आपकी साइट दिख रही है सबसे पहले, उसकी साइट के बाद आपके जो है नीचे के उसके मेन्यूज़ दिख रहे हैं, कुछ आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, और इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि एक प्रॉपर क्लीन स्ट्रक्चर होता है, और सारी चीज़ें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर होनी चाहिए। नेविगेशन ईजी होना चाहिए, किसी को भी कोई चीज़ ढूंढने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पेज पे है, वहाँ पे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए वो वापस से होम पेज पे ना आए, उसी पेज के थ्रू उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, तो इसका आपको खास ख्याल रखना है। तो साइट स्ट्रक्चर एंड नेविगेशन को एक्चुअली प्लान किया जाता है जब वेबसाइट बनती है, और ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है टेक्निकल SEO का। इसके बाद आता है गाइस 9th पॉइंट जो है कंसिस्टेंट URL स्ट्रक्चर। जी हाँ आपका URL स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट होना चाहिए। URL होता है गाइस
जो आपका वेब एड्रेस है वो आपका प्रॉपर कंसिस्टेंट होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि कहीं पे किसी तरह का यूआरएल दे रहे हैं, कहीं किसी तरह का यूआरएल दे रहे हैं, क्योंकि जिस समय पे आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं या आप नॉर्मल एचटीएमएल वेबसाइट भी बना रहे हैं, तो उस पेज का लिंक आप एक प्रॉपर देते हैं या उस पेज को प्रॉपर जगह पे आप सेव करते हैं। अगर आप एक फिजिकल वेबसाइट की बात कर रहे हैं वर्डप्रेस में नहीं है, तो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, सब जगह पे एक सिमिलर होना चाहिए। एक मान लीजिए एक कैटेगरी के अंदर आपने कुछ पेजेस दे रखे हैं, तो वो उससे मिलते जुलते पेजेस उसी कैटेगरी में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आपने किसी दूसरी कैटेगरी में डाल दिए, तो वहाँ से कंसिस्टेंसी डिस्टर्ब हो जाती है और कहीं ना कहीं विजिटर को और जो गूगल के बॉट्स हैं उनको वो कन्फ्यूज कर देती है। फाइनल स्टेप टेक्निकल एसईओ के केस में है गाइज, चेक साइट फॉर डेड और ब्रोकन लिंक्स। अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो उसके लिए एक प्लगइन होता है ब्रोकन लिंक चेकर, आप फ्री प्लगइन है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वो आपको टाइम टाइम पे बताता रहेगा कि कौन से लिंक्स ब्रोकन हो गए हैं। ब्रोकन लिंक्स गाइस दोनों तरह से हो सकते हैं, ऐसे लिंक्स जो एक्चुअली आपके वर्क नहीं कर रहे, और ऐसे लिंक्स जो आपने एक्सटर्नल लिंक अपनी साइट पर डाले हुए थे, यानी किसी दूसरे के लिंक जिसे हम कहते हैं ब्लॉग्स में डाले जाते हैं, कोई रेफरेंस मटेरियल, कोई और अच्छी इन्फॉर्मेशन। ऑन पेज एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सटर्नल लिंक्स को प्लेस करना। तो बट ऐसा होता है कि किसी का लिंक आपने डाला हुआ है और उसने कल को वो पेज हटा लिया, ब्लॉग हटा लिया, तब वो लिंक ब्रोकन हो जाएगा और आपको अगर वो नहीं पता चलेगा तो वो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट की क्वालिटी के लिए एक नेगेटिव सिग्नल है। तो ये जो प्लगइन मैंने आपको बताया, अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा, बता ही नहीं देगा, सीधे क्लिक के ऊपर आपको वहां पहुंचा देगा और आप वहीं के वहीं से डायरेक्ट उसी प्लगइन से ही उस लिंक की जगह कोई दूसरा लिंक डाल सकते हैं, या आपको पूरी तरह से वो लिंक हटाना है तो उसको आप वहीं से हटा सकते हैं। आपको सारे आर्टिकल सारे ब्लॉग्स को स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप एक्चुअली HTML में वेबसाइट बनाए हैं तो भी आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, ऐसी साइट्स अवेलेबल हैं जो ब्रोकन लिंक्स आपके बता देती हैं। जब आपको ब्रोकन लिंक पता चल जाता है तो आपको मैनुअली जा करके उसको वहाँ पे रेक्टिफाई करना होगा। इसीलिए मैं गाइस हमेशा कहता हूँ कि वर्डप्रेस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स के लिए, हर तरह की वेबसाइट बन पाती है और आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती, सारी चीज़ें सेंट्रलाइज हो जाती हैं और बहुत ईजिली मैनेजेबल होती हैं। साथ ही में वर्डप्रेस SEO फ्रेंडली है और उससे जो SEO आप कर सकते हैं वो आप किसी और प्लेटफॉर्म पे डेवलप करके अपनी वेबसाइट को जल्दी से नहीं कर सकते हैं। अब आता है गाइस अपना फाइनल पॉइंट जो कि है ऑन पेज SEO, उस पे भी मैं आपको फटाफट 10 पॉइंट शेयर कर देता हूं और इसके बाद बेसिकली ये वीडियो एंड हो जाएगी। तो आप बने रहे हैं अगर आप जानना चाहते हैं ऑन पेज SEO के वो 10 पॉइंट्स जो आपको फॉलो करने हैं, अपने डेवलपर से आपको चेक करने हैं, या अगर आप खुद से कर रहे हैं तो भी ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत काम के हैं। तो गाइज ये हैं ऑन पेज SEO के 10 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट गाइज होता है जिससे ऑन पेज SEO स्टार्ट होता है, वो है कीवर्ड रिसर्च। आपको प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करनी चाहिए और इनफैक्ट जब वेबसाइट बनती है तब भी कीवर्ड रिसर्च करी जाती है, क्योंकि तब वेबसाइट का ऑन पेज SEO किया जाता है और जब कोई आर्टिकल लिख रहा है यानी SEO कर रहा है उस समय वो तब फिर अगेन कीवर्ड रिसर्च करता है बेस्ड ऑन कंपिटिटर्स, और ये देखता है कि कंपिटिटर्स या कंपीटिंग आर्टिकल्स जो लिखने चाह रहे हैं वो किस किस के लिखे हुए हैं, उनकी अकॉर्डिंगली कीवर्ड रिसर्च करता है, पर आर्टिकल कीवर्ड रिसर्च करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी आपका ब्लॉग या आर्टिकल लिखा जा रहा है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके SEO का। तो प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च होनी चाहिए और कीवर्ड रिसर्च के लिए एक बहुत अच्छा टूल है जो कि बिल्कुल फ्री है, वो है गूगल का कीवर्ड प्लानर। जी हाँ, ये ads.google.com के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं और उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना, ये गूगल की तरफ से एब्सोल्यूटली फ्री है और मैं सबसे ज़्यादा इसी को रिकमेंड करता हूँ। सेकेंड है गाइस टाइटल टैग्स। आप देखते होंगे आप जिस समय पे आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो हर पेज का एक टाइटल होता है, वो होता है गाइस टाइटल टैग। और जब आप गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे आप ऐसे कुछ सर्च कर रहे हैं, तो ये जो टॉप पे लिख के आ रहा है बिल्कुल बड़े फॉन्ट में, ये होता है गाइस मेटा टाइटल होता है। तो ये टाइटल टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइटल टैग के अंदर आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, टाइटल टैग को आपको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना चाहिए, टाइटल टैग कैची होना चाहिए जिससे लोगों को उसे इंटरेस्ट जागे, तभी तो वो आपके रिजल्ट के बाद आपके लिंक पे क्लिक करेगा। अगर उसको उसमें कुछ बहुत इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो वो डेफिनेटली आपके लिंक पे क्लिक नहीं करेगा, बेशक आपका मटेरियल आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो। तीसरी चीज़ है गाइज मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन गाइज, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं टाइटल टैग के नीचे जो टेक्स्ट लिखा है वो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, और वो डिस्क्रिप्शन
कुछ डिफरेंट होता है, एसईओ के लिए अलग से ऐड किया जाता है। एसईओ के लिए जो प्लगइन्स आते हैं, अगर हम वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन अलग से डिफाइन किया जाता है और ये मेटा टैग में डिफाइन किया जाता है। अगर आप HTML में वेबसाइट बना रहे हैं तो मेटा टैग्स होते हैं हेड टैग्स के बीच में, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं टॉप पे हेड टैग्स होते हैं, उनके बीच में बहुत सारे मेटा टैग्स होते हैं, तो मेटा टैग्स के बीच में जो है ये एक्चुअली लिखा जाता है। अगर आप फिजिकली लिख रहे हैं, अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो उसके लिए योस्ट SEO, रैंक मैथ जैसे प्लगइन्स यूज होते हैं। अगर आप योस्ट SEO सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ये कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है योस्ट SEO पे, तो आप इसकी मदद से एक्चुअली मेटा टैग या SEO टाइटल किस तरह ऐड करना है, चेंज करना है, वो आप जान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी वेबसाइट का कंटेंट हो, ये बेसिकली आपको लिखना है टाइटल, जो SEO टाइटल है उसके बाद, जिससे कि एक्चुअली आप जो भी विजिटर है जो उसको पढ़ रहा है देख रहा है उसको आप प्रोवोक कर सकें, उसके अंदर आप कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं और डेफिनेटली इसको सर्च इंजन बॉट्स भी रीड करते हैं। इसके बाद गाइज आती है अपनी फोर्थ पॉइंट जो है हेडलाइंस। जैसे मैंने आपको टाइटल टैग्स बोला था, टाइटल टैग्स बेसिकली SEO के लिए यूज होते हैं, जैसे वेबसाइट पे सर्च रिजल्ट में डिस्प्ले होते हैं। हेडलाइन होती है गाइज, जैसे मैंने आपसे बात की आपकी वेबसाइट है तो आपने उसका एक हेडलाइन दे रखा है, जब वेबसाइट का कंटेंट आता है उससे पहले लिख के आता है अबाउट अस, जो कि आप मेन्यू में भी देते हैं, या फिर ब्लॉग है तो ब्लॉग का ऊपर टाइटल होता है जैसे कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हेडलाइन। अगेन हेडलाइन भी कैची होनी चाहिए और हेडलाइन पे भी आपको कीवर्ड्स का यूज करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट आता है गाइस हेडर टैग्स। हेडर टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टैग्स अगर आप HTML यूज कर रहे हैं तो वही अगेन आप हेड टैग के बीच में उनको ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से, और अगर आप वर्डप्रेस का यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑप्शन होता है टैग्स ऐड करने का, जो भी आर्टिकल आप लिख रहे हैं उसके लिए टैग्स ऐड करने का ऑप्शन होता है। टैग्स में आप सारे कीवर्ड्स ऐड करेंगे जो आपने यूज किए हैं, जो आपसे रिलेटेड हैं, जो उस ब्लॉग से रिलेटेड आप यूज नहीं कर पाए हैं उस कंटेंट में, उनको भी रिलेटेड कीवर्ड्स को आप ऐड कर सकते हैं जो कि आपने कीवर्ड रिसर्च के टाइम फाइंड किए हैं। सिक्स्थ पॉइंट है गाइस SEO राइटिंग। जो राइटिंग है, जो हम कंटेंट लिख रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं, उस पे भी उन कीवर्ड रिसर्च जो उसके लिए की गई है उसका यूज किया जाता है। कीवर्ड्स कितने किस जगह पे दिए जाने हैं, हेडलाइन को कितनी बार रिपीट करना है, ये सारी चीजें फॉलो की जाती हैं। कॉल टू एक्शन क्या है उसके अंदर, उसके अंदर आपने FAQs लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, आप उसके अंदर और क्या बेहतर कर सकते हैं, जैसे आप उसके अंदर ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गाइज कोई भी कंटेंट जिसके अंदर इमेजेस नहीं होती कोई भी रीड नहीं करना चाहता है। आप भी एक ऐसी बुक नहीं पढ़ना चाहेंगे जिसमें सिर्फ टेक्स्ट है, आपको बोरिंग लगेगा। बीच में इमेजेस अगर आ जाएं, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट ही हो, तब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। सिमिलरली ब्लॉग के साथ भी होता है, अगर आप इमेज यूज करते हैं तो उससे इंटरेस्ट डेवलप होता है। अगर आपके पास कोई वीडियो है या किसी और का रिलेटेड रिलेवेंट वीडियो है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियो का लिंक बहुत इजीली ऐड हो जाता है, सिर्फ लिंक डालना होता है और ऑटोमेटिकली वो दिखने लगता है। उससे गाइस होता क्या है कि बहुत देर तक कोई भी आपके वेबसाइट या आपके पेज पे रुकेगा और कहीं ना कहीं उससे आपको रैंकिंग के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपका एवरेज वॉच टाइम बढ़ जाएगा। आप किसी दूसरे का वीडियो डाल सकते हैं, उसमें कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आता, क्यों, क्योंकि आप उसकी हेल्प ही कर रहे हैं, आप उसका वीडियो प्रमोट कर रहे हैं, वो भी फ्री में। अगर आपका अपना वीडियो है तो नथिंग लाइक दैट, आप खुद से अपना वीडियो भी बना सकते हैं। वीडियो इजीली आप कंटेंट से भी बना सकते हैं, उसके लिए कुछ अच्छे वीडियो एडिटिंग टूल्स हैं, वीडियो क्रिएशन टूल्स हैं जो कि बहुत ईजी हैं। खाली ब्लॉग का लिंक डाला, वीडियो तैयार हो गया, आपने लाया उस वीडियो को उठाया और यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करा और यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो ऐसे ही कुछ वीडियो एडिटिंग टूल्स हैं जिनको आप यहाँ पे पा सकते हैं। वीडियो की मेरी एक कंप्लीट सीरीज है जो कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप उन टूल्स को सीख भी सकते हैं। तो सारी चीजें रिलेटेड मैंने इस पे क्रिएट करने की कोशिश की है, कोई चीजें मिसिंग है तो डेफिनेटली उनको मैं जल्दी जल्दी लाता रहूंगा। सेवेंथ पॉइंट है गाइज इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इसके बारे में हमने पीछे डिस्कस किया था, ये वेबसाइट की स्पीड इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। आपकी इमेजेस ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, जिस भी ब्लॉग पे नए पे आप कंटेंट ऐड कर रहे हैं वहाँ इमेज ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, और इमेज ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप चाहे इसको देख सकते हैं अगर आप इसको सीखना चाहते हैं। बट इन सिंपल टर्म्स आप सीखना नहीं चाहते तो आप समझ लीजिए इमेज का जो साइज होता है, जो उसका रेजोल्यूशन यानी मेगापिक्सल में होता है, वो हमें वेब के लिए नहीं चाहिए होता। वेब के लिए बहुत छोटा साइज चाहिए होता है, उसके लिए रेजोल्यूशन भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता। जितना कि आपके ब्राउजर पे देखने में आपको हेजी नहीं दिख रहा, आपको खराब नहीं दिख रहा, वो सफिशिएंट होता है आपके वेब के लिए, तो उतनी क्वालिटी एडजस्ट की जाती है। उसके रिलेटेड भी काफी सारे टूल्स होते हैं जो आपको इस इमेज ऑप्टिमाइजेशन के वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। उन टूल्स को, फ्री टूल्स को यूज करके आप ये साइज भी चेंज कर सकते हैं, आप उसकी क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं। और गाइस तीसरी चीज, गूगल का एक इमेज फॉर्मेट आया है जिसे नाम कहते हैं वेब पी, तो वेब पी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वेब पी फॉर्मेट जो है, ऑब्वियसली अगर गूगल का फॉर्मेट है तो कहीं ना कहीं आपको वेटेज मिलेगी आपकी इमेजेस को रैंक करने की। और गाइस
ये इमेजेस ऐसी चीज होती हैं जो एक्चुअली में हेल्पफुल होती हैं आपके ब्लॉग को रैंक कराने के लिए। तो कैसे ये ब्लॉग को रैंक करा सकती हैं, कैसे ये वेबसाइट को अलग से रैंक करा सकती हैं, उसके लिए आप मेरा ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन का वीडियो देख लीजिएगा। गाइज आप जैसे जानते ही हैं कि गूगल पे एक ऑप्शन होता है सर्च में इमेज सर्च, तो ये इमेज सर्च के अंदर इमेजेस सर्च होती हैं, और अगर आपकी इमेज प्रॉपरली ऑप्टिमाइज है, सारी चीज़ें आपने फॉलो की हैं अपने वेबसाइट पे, तो डेफिनेट सी बात है कुछ कीवर्ड्स पे जो आपने उसमें ऐड किए हैं वो इमेज रैंक करने लगेगी और वो ट्रैफिक लेके आएगी आपके ब्लॉग पे, जो कि एकदम फ्री का बेस्ट ट्रैफिक होगा। इसके बाद है गाइज 8 पॉइंट यूज ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिंक्स इन कंटेंट। तो गाइज कंटेंट तो एसईओ कंटेंट की हमने बात कर ली, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, एसईओ कंटेंट आपसे डिस्कस कर चुका हूं, साथ ही में उसमें इंटरनल लिंक्स होने चाहिए, एक्सटर्नल लिंक्स होने चाहिए। इंटरनल लिंक्स मतलब जो लिंक्स आपके अपने पेजेस आपके अपने दूसरे आर्टिकल्स को लिंक करते हो। इससे फायदा क्या होता है गाइज कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम आपकी वेबसाइट पे बताते हैं, उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल पाती है। जब भी आप कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कहीं ना कहीं रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक दूसरे पेज पे दूसरे ब्लॉग पे होती है और इससे आपको बहुत बेनिफिट होता है। एक्सटर्नल लिंक से क्या होता है, आप एक अच्छा यूजफुल रिसोर्स किसी अच्छी वेबसाइट का अपनी वेबसाइट पे देते हैं, उससे विजिटर को भी सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसका ट्रस्ट बढ़ता है। दूसरा, वो एक्सटर्नल लिंक जिनको आपने दिया है उनको जब पता चलता है कि आपने उनको लिंक दिया है, जो कि पता चल ही जाएगा, तो डेफिनेट सी बात है वो आपका कंटेंट देखेंगे, आपका कंटेंट उन्हें पसंद आएगा, तो वो आपको ऑटोमेटिक फ्री ऑफ कॉस्ट एक पावरफुल लिंक दे देंगे। लिंक के चक्कर में हम बहुत परेशान होते हैं, बट ये लिंक आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, जो शायद आप कितनी भी कोशिश कर लें, पेमेंट कर दें, गेस्ट पोस्ट के लिए अप्रोच कर लें, आपको नहीं मिलेगा। तो एक्सटर्नल लिंक्स का बहुत फायदा होता है विजिटर्स के एंड पे भी और आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है उसको बढ़ाने में भी। तो गाइज अगला 9th पॉइंट है URL ऑप्टिमाइजेशन। URL हम डिस्कस कर चुके हैं, URL ऑप्टिमाइजेशन गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने पीछे भी डिस्कस किया था। URL ऑप्टिमाइजेशन मतलब आपका URL प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होना चाहिए, URL में भी कीवर्ड्स होने चाहिए गाइज जितने पॉसिबल हो, URL जितना शॉर्ट हो उतना ज़्यादा अच्छा है, URL में इज द इस तरह की चीज़ें आपको नहीं यूज़ करनी है। आपने मान लीजिए जो टाइटल लिखा है उसके अंदर ऐसा कुछ यूज्ड है तो आप उसको URL में एलिमिनेट कर सकते हैं। URL में बेसिकली आपके कीवर्ड्स का यूज़ हो, आपके टाइटल से मिलता जुलता हो और छोटा हो उतना ही अच्छा रहता है। फाइनल चीज ऑन पेज एसईओ में 10th पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है गाइस टेबल ऑफ कंटेंट फॉर लॉन्ग कंटेंट। जैसे आप यहां देख पा रहे हैं गाइस, जब आपका कंटेंट लंबा होता है तो ऑब्वियस सी बात है इंसान जो चीज सर्च करना चाह रहा है वो हो सकता है कहीं बीच में या लास्ट में हो, तो उसको अगर नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो ये सोचेगा कि आपके कंटेंट में वो चीज़ है नहीं। तो उससे बेटर रहता है कि स्टार्टिंग में अगर हम ऐसा टेबल ऑफ कंटेंट दे दें तो वो देख लेगा क्या क्या चीज़ें हैं। टेबल कंटेंट हमारी बुक्स में भी होता है, हर कोई उसको देखता है, उसको देखने के बाद ही बुक्स को पढ़ना शुरू करता है, और उससे सबसे बड़ा फायदा है अगर उसको किसी पॉइंट पर डायरेक्ट पहुंचना है तो वहां वो क्लिक करेगा और सीधा वहां पहुंच जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट के लिए एक स्कोरिंग फैक्टर है गाइज, क्योंकि जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर वो आपकी वेबसाइट पे मिल जाती है तो डेफिनेटली ट्रस्ट बढ़ जाता है और नेक्स्ट टाइम से वो आपकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली आएगा, और जब डायरेक्ट सर्चेज होती हैं नाम से तो आपकी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ती है और आपकी वेबसाइट कई गुना ज़्यादा रैंक करती है, तब आपको उसमें शायद आगे चल के SEO भी ना कराना पड़े। तो गाइज ये थे हमारे पॉइंट्स रिलेटेड टू टेक्निकल SEO, ऑन पेज SEO, जो कि SEO के अंदर बहुत मैंडेटरी हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई भी इसके अंदर क्वेरी हो, कोई भी इसमें आपको दिक्कत हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए, और गाइस आपने अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो उसको तुरंत कर लीजिए, बहुत काम की इन्फॉर्मेशन जैसा आपको इस पूरे वीडियो में मैंने बताया आपको मिलेगी। और गाइस इसके अलावा मैं कुछ बिजनेस के लिए केस स्टडीज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आता रहता हूँ जो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।